तो चलिए आज हम जानेंगे कि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के जो इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं वो सब कहाँ पर लगे होते हैं और उनको कैसे खोला जाता है, कैसे देखा जाता है, सब कुछ विस्तृत से हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो पीछे का जो कवर होता है, वॉशिंग मशीन के जो पीछे का कवर होता है, जब पीछे वाले इस कवर को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वाटर इनलेट मोटर, और इसके बाद इसी के अंदर आपको मिल जाएगी प्रेशर स्विच मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है तो इसके अंदर एक छोटी सी पीसीबी और इसके अंदर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी पीसीबी, दो पीसीबी होती है, एक तो मेन पीसीबी होती है, दूसरा पावर को रोकने के लिए यहाँ पर एक पीसीबी का इस्तेमाल किया गया, सेफ्टी पीसीबी होती है। ठीक है, तो इसको खोलने के लिए आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, दो ठो स्क्रू, इस दो स्क्रू को खोलेंगे, इसके बाद आपका एक कवर ओपन हो जाएगा। इस कवर को ओपन करने के लिए यहाँ से आप ऐसे देखे, ऐसे थोड़ा सा आवाज आएगा, आपको लगेगा टूट गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हमारे लॉकर होते हैं, लॉक यहां से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, लॉक आपके क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर लॉक थे और हमारे यहां पर क्या था, लॉक था, अंदर से फंसे होते हैं वो निकल जाते हैं, सिर्फ आवाज आती है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपका क्या है, वाटर इनलेट मोटर है, वाटर इनलेट मोटर है। यहां से हमने अभी दिखाया था ना जाली वगैरह, इसके अंदर आप देखेंगे तो क्या होती है, जाली होती है। यहां से पानी लेता है तो ये कौन खींचता है, मोटर खींचता है, एक छोटा सा मोटर, ऐसा ना कि बहुत बड़ा मोटर लगा होता है। और इसके अंदर देखेंगे छोटा सा तार भी लगे हुए, पतले 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 क्या है, तार लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहां से इसके जंक्शन को निकाल के आप देख सकते हैं तो ये आपका क्या हो गया, वाटर इनलेट मोटर, जो कि पानी को खींचता है। जब ये खींचता है तो सीधे देखिए ड्रम था, इसके अंदर डिटर्जेंट ड्रम था, उसी पे गिरेगा पानी और घुल करके नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रेशर स्विच है, यहाँ पर क्या है, प्रेशर स्विच, जो कि इसके अंदर नीचे आप देखेंगे एक पाइप गया होगा, गया है पाइप, ठीक है ना। तो प्रेशर स्विच को थोड़ा सा यहाँ से हम इसको यहाँ से ऐसे करके देखिए, ऐसे जब आप निकालेंगे तो इसके अंदर एक नीचे आपको पाइप गई है, ये पाइप कहाँ जाती है, ड्रम के अंदर, ड्रम के अंदर लगा होगा, अभी हम उसको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर स्विच में हमने तीन तार बनाया था ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लगा हुआ है। तो इसका काम होता है ड्रम के अंदर पानी के लेवल को बताना, यानी जब यहाँ से पानी हमारा ड्रम के अंदर जाता है तो किसमें, आपकी सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप यहाँ पर पीसीबी से सेटिंग करके रखेंगे उतना ही पानी यहाँ से ड्रम के अंदर जाएगा, और जैसे ही जाएगा तुरंत प्रेशर स्विच सेंस करके तुरंत बता देगा पीसीबी को, हाँ आपके सेटिंग के अनुसार पावर जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपकी क्या है, पीसीबी, ये भी क्या है, पीसीबी। पहले इसको हम यहां से खोलते हैं, देखिए थोड़ा सा ऐसे कवर को हटाते हैं, इसका जो कवर होगा इधर से जो लगा होगा, देखिए हाँ इस कवर को हटाएंगे तो इसके अंदर मिल जाएगा छोटा सा पीसीबी। देखिए ऐसा आपको कहां मिल गया, छोटा सा कहां मिल गया, पीसीबी। देखिए इसी पीसीबी देखिए कितना इसके अंदर गम भरा हुआ है, क्या रिपेयर हो सकती है, नहीं सर। इसके फ्यूज को आप निकाल सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इसको निकालना, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पानी की जगह होती है इसलिए इसको पूरा गम से भर दिया जाता है। इसके अंदर देखेंगे तो आपकी ये मेन लीड है, मेन लीड पहले हमारा इसके अंदर आ गया, ठीक है, दो तार आ गए ना, अब यहाँ से हमारा फिर दो तीन तार बाहर जा रहे हैं, तो तीन तार किसका, ये तार है अर्थिंग का, ठीक है, और एक न्यूट्रल और एक फेस जो कि हमारे अंदर की साइड में जा रहे हैं, इसमें सामने की साइड में। तो इसके अंदर देखिए प्रोटेक्शन के रूप में यहाँ पर फ्यूज लगा है, फिर एनटीसी लगी है, फिर इसके बाद सादा फिल्टर, सादा कैपेसिटर, फिल्टर कॉयल, और इसके बाद दो ठोका लगी है, एनटीसी लगी है, ठीक है, 200 क्या लगी है, एलटीसी, एक न्यूट्रल में होगा दूसरा फेस में होगा, और इसके बाद हमारा आगे की साइड में निकल के जा रहा है। जब पीसीबी की वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर ये सारा पॉइंट आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से काम करता है। तो ये मेन लीड से आ गया, यदि कोई हाई वोल्टेज हमारे आएंगे, कौन से आएंगे, हाई वोल्टेज, तो आपका ये फ्यूज उड़ जाएगा, एमओबी खराब हो जाएगी और एनटीसी खराब हो जाएंगे, तो हमारा यही पीसीबी नुकसान होगा, बड़ा वाला पीसीबी बिल्कुल बच जाएगा। तो बड़ा वाला पीसीबी देखिए यहाँ पर लगा होता है, कहाँ होता है, सामने की साइड में होता है, ठीक है ना। तो इसको जब यहाँ से आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएंगे स्क्रू, स्क्रू को खोलेंगे, खोलिए, ऑलरेडी से कुछ स्क्रू खोले थे, देखिए जब मिल जाएंगे तो इस ट्रे को, देखिए इस ट्रे को हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, अब ऐसे लगातार इसको आप निकालेंगे तो निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लॉकर होता है, इसके अंदर क्या होता है, लॉकर। अब इस चीज को हम चाहे लेफ्ट मारेंगे ऐसे, चाहे राइट मारेंगे, लेफ्ट चाहे राइट, जिधर पुश होगा उधर हम पुश करेंगे, ठीक है, जिधर पुश होगा उधर पुश करेंगे। जैसे हमने इधर मारा तो पुश हुआ नहीं, तो हम किधर करेंगे, ऐसे देखिए पुश हुआ कि नहीं हुआ। यानी इसके अंदर स्लाइडर वाले लॉक होते हैं, कौन से होते हैं, स्लाइडर। यदि आप नए रहेंगे आपको पता नहीं रहेगा तो इसी
खींचते रहेंगे, ऐसे खींचते रहेंगे और तोड़ देंगे कि ये खुलता क्यों नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्लाइड करना होगा, ठीक है ना, क्या करना होगा, स्लाइड। तो ऐसे जब हम करेंगे तो स्लाइड होके आराम से लॉक इसके निकल गए। अब इसको हम आराम से पीसीबी को इस प्रकार से ओपन कर देंगे, ठीक है। जब ओपन कर देंगे तो इसका मिल जाएगा सेफ्टी कवर, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं, एक लगा होगा खाली, निकालिए यहां से। देखिए इसी जगह पीसीबी के पूरे फंक्शन आपके मिल जाएंगे कि कौन सा किसका होता है। देखिए अब इस चीज को हम इसके कवर को निकाल देंगे। देखिए इस कवर को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब इधर से जो वायरिंग आ रही है यही वाली वायरिंग है ना, देखिए यही वाली वायरिंग है कि नहीं है। अब यहाँ पर आपको कितने तार दिख रहे हैं, दो तार दिख रहे हैं, यहाँ पर दो तार। तो मेन लाइन न्यूट्रल इसके अंदर आ गया। जब ये लाइन न्यूट्रल आ गया तो पूरे पीसीबी आप पढ़े थे, चाहे आप फ्रिज की पीसीबी पढ़े थे, चाहे एसी की पीसीबी पढ़े थे, ठीक है ना। ये चीज क्या था, ये क्या था, सादा कैपेसिटर। इसके बाद यहाँ पर हमारा लगता था ब्रिज रेक्टिफायर, लगा है कि नहीं लगा। अब यहाँ से एक कैपेसिटर, इसका एसी से क्या करता है, डीसी बनाता है, और इसके बाद निकल करके हमारा आगे के पार्टों में निकल जाता है। अब देखिए अगर इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है तो क्या लगा होगा, आईपीएम, क्या लगा होगा, आईपीएम। और यहाँ पर हमारा यू भी डब्ल्यू होंगे, यू भी क्या है, डब्ल्यू, इसके मोटर, ठीक है ना। तो जहाँ पर यू भी डब्ल्यू होंगे वहां पर हमने कहा आईपीएम जरूर लगा होगा, ठीक है, क्योंकि यही वोल्टेज को सत्य क्या करता है, बराबर। तो पीसीबी के सारे फंक्शन लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, सबके अंदर इन्वर्टर पीसीबी का सेम। देखिए माइक्रो कंट्रोलर है, लगी है ना, पूरा प्रोग्रामर इसी के अंदर भरा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, 7805 लगा हुआ है, जिनको जिनको 5 वोल्टेज जरूरत होगी वहां पर वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, वही सारे फंक्शन है कि नहीं है, जो उस वाले पीसीबीओ के अंदर थे, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, अब आपका ई तार तो हमने तुरंत आईपीएम के पास लगा है, तो तुरंत समझ गए किसका तार होगा, मोटर का, कंफर्म है इसका मोटर का, ये मेन लीड तार हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसके पूरे फंक्शन आपके एक ही के अंदर दे दिया है, पूरा फंक्शन एक ही के अंदर। चलिए यहां पर आप देखेंगे किस कलर का तार है, ग्रे, ग्रे और ब्लैक, ग्रे और ब्लैक है ना। देखिए इसके अंदर देखते हैं ये क्या मिल गया, ग्रे, और ये क्या मिल गया, ब्लैक। क्लियर हो गया, ये तार किसका है, वाटर इनलेट मोटर का, मिल गया कि नहीं मिल गया। चलिए प्रेशर स्विच में देखते हैं कितने कलर के तार हैं, एक दो तीन, ऑरेंज, व्हाइट, वायलेट, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए यही तीनों लगातार लगा हुआ है, व्हाइट, ऑरेंज, वायलेट, लगा है ना, तीन तार और ये दो तार, क्लियर हो गया। अब बच गए कितने तार, दो तार, कितने तार बच गए भैया, दो तार, ठीक है। तो ये दो तार किसके होंगे, नीचे जो ड्रेन मोटर लगा हुआ है, नीचे क्या लगा है, ड्रेन मोटर लगा है, दो तार किसके हो गए, उसके हो गए, क्योंकि आपने दो तार इसका क्लियर कर लिया, तीन तार इसका क्लियर कर लिया, तो बच गए कितने तार, दो तार। तो दो तार नीचे जो ड्रेन मोटर लगा हुआ है उसका है, ठीक है। और हमारे तीन तार किसके हो गए, रेड, ब्लू, येल्लो, मोटर के होंगे, यू भी डब्ल्यू के हो गए। और यहाँ से दो तार मेन सप्लाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो सारा आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि आपको पीछे की साइड में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वहां पर ये तार लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ठीक है। तब वॉशिंग मशीन को हमें क्या करना होगा, पीछे की साइड में ऐसे करिए, इसके कवर को ध्यान से समझिए, इसके कवर को खोलिए, पूरी वायरिंग आपको पता चल जाएगा कौन सी वायरिंग कहां होती है, टेंशन ना लीजिए। ये जो पिछला कवर होगा इस कवर को खोलेंगे और प्यार से ऐसे दबा करके ऐसे निकाल लेंगे, ये खुल गया। जब खुल गया तो यहां पर देखेंगे इसकी कहां मिल गई, वायरिंग हमने भी, तो आपने प्रेशर स्विच में कितने तार देखे थे, दो ठो ब्लैक देखे थे ना, तो देखिए एक ठो ब्लैक किसके लिए आ रहा है वहां से, देखिए यहां पर प्रेशर स्विच थी, अरे सॉरी यहाँ पर वाटर इनलेट मोटर था, वाटर इनलेट में दो ब्लैक, एक थे तो मेन पीसीबी में गया और एक ठो कहाँ आ गया, आ गया। और यही जो दो कलर के तार बचे थे कि नहीं, मेन पीसीबी के अंदर, कौन से, पिंक और ब्राउन, पिंक और ब्राउन, मेन पीसीबी में, देखिए मेन पीसीबी में नीचे की साइड में पिंक और क्या थे, ब्राउन, पिंक और कौन से हैं, ब्राउन है, क्लियर हो गया सारे तार। अब देखिए
अब तीन तार हमने आपको बताया था किसके होंगे, मोटर के होंगे, किसके होंगे, मोटर के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम पीछे की साइड से इस चीज को खोलते हैं। देखिए आ जाइए आप इधर, देखिए जब पीछे की साइड में आप इसको भी खोल देंगे तो यहाँ से मोटर वगैरह सब दिख जाएगा आपको, मोटर वगैरह सब क्या हो जाएंगे, दिख जाएंगे। देखिए अब यहाँ से जो हमारा ये आपको ड्रेन मोटर है, तीन तार लगा हुआ है, देखिए तीन तार लगा हुआ है ना, ये आपका कौन सा है, ड्रेन मोटर है। और इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको जो तार दिख रहा है किसका है, मोटर का है, ये क्या है, मोटर, वास मोटर है, ये क्या है, वास मोटर, ये क्या है, बेल्ट है, और ये पुल्ली, ये पूरा गियर बॉक्स है, ये पूरा क्या है, गियर बॉक्स, ये ड्रेन लॉक है। देखिए इसी जगह से पानी ऐसे क्या होता है, देखिए साकर हो रहा है कि नहीं, ये ड्रेन मोटर अंदर जा रही है, तो ये रबड़ खींचेगा, जब रबड़ खींचेगा कुछ इस प्रकार से फंक्शन होंगे, ऐसे जब फंक्शन होंगे तो यहाँ से पानी ड्रम का बाहर की साइड में निकल जाएगा, ठीक है। तो हम तो वायरिंग की बात कर रहे थे, तो आपने देख लिया सारा वायरिंग क्लियर है कि नहीं, यस सर। इसके अंदर देखेंगे तार दिख रहा है आपको, यस सर, जैक लगा हुआ है, येलो ब्लू रेड, येलो ब्लू रेड, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे क्या, देखिए वही तार आ रहा है, येलो रेड ब्लू, अलग से जंक्शन लगा है, और यहाँ पर आपके किसके हैं, ये पिंक और ब्राउन ड्रेन मोटर के, ठीक है, समझ, ब्लैक वाला तो उसी के अंदर जा रहा है, देखिए क्या है, ठीक है ना, तो ब्लैक वाला, तो तीन तार आपके किसके होंगे, ड्रेन मोटर। यहाँ पर भी फंक्शन होते हैं, यहाँ से आप चाहें तो जैकों को अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करने की बात आ गई तो आप इसके मोटरों को चेक भी कर सकते हैं, नॉर्मल चेकिंग होता है वही UVW, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इस जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर सारे पार्ट कहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।